देखो मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो, तो बताओ क्या चाहती हो मुझसे? मैं क्या चाहती हूँ? तेरी मौत चाहती हूँ मैं। तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए यहाँ सेल्फी लेने की? डरावनी आवाज उसी चुड़ैल की थी, जिसकी वजह से उस किले को बंद कर दिया गया। जय ने उसे देख कर कहा, अरे अरे वाह, क्या लग रही हो! मेरे मैगजीन के फ्रंट कवर के लिए ऐसा ही लुक तो चाहिए था मुझे। है? ये क्या बक रहा है तू? तुझे डर नहीं लग रहा मुझसे? अब पहले लगा था, पर अब नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सेल्फी से क्या चिढ़े? मुझे सेल्फी से चिढ़ नहीं, बल्कि बहुत प्यार था। मैं सच में एक मॉडल ही थी, कई साल पहले की बात। जी जी सर, अब मैं भेजती हूँ अपनी पिक्चर्स आप। अच्छा, चुड़ैल का गेटअप लेना है और लोकेशन भी डरावनी होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं कल तक भेजती हूँ आपको। ओहो, चुड़ैल का गेटअप तो मैं ले लूंगी, लेकिन लोकेशन कहाँ से लाऊं? अपना किला कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। मुझे सेल्फीज लेने का बहुत शौक, मुझे हर हाल में मशहूर होना था। उस दिन मैंने पूरी मेहनत से अपना मेकअप किया, लेकिन फिर अरे अरे वो तो चुड़ैल है। अरे बाप रे, वो निकम्मा चौकीदार वैसे तो हर वक्त सोता रहता था, उस दिन वो मेरे पीछे ही पड़ गया। आसपास के लोगों को भी ले आया अपने साथ, मुझे सबने घेर लिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। यही इसी जगह पर मुझे जिंदा जला दिया उन सबने। फिर मैं सचमुच चुड़ैल और इसी किले में रह गई। उस चौकीदार को मैंने इसी किले की छत से नीचे फेंका, और वो रामू जिसने मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़का था उसे बस 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 करो, इसके आगे की कहानी मैं समझ गया। मुझे ये बताओ, जब तुमने अपना बदला ले ही लिया है तो फिर अब क्यों यहाँ मंडराती रहती हो? जब तक मेरी मशहूर होने की इच्छा पूरी नहीं होती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं करूँगा तुम्हें मशहूर, मेरी हॉरर मैगजीन के फ्रंट कवर पर तुम्हारी सेल्फी छपेगी, साथ ही मैगजीन के अंदर तुम्हारी कहानी भी। अब बोलो, सच में ये हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस सब के बाद तुम्हें इस किले को छोड़कर जाना होगा, और फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचाने का वादा भी करना होगा तुम्हें। ये लो मेरा मोबाइल, और अपनी कुछ सेल्फीज क्लिक करके मुझे दो। वो चुड़ैल जय के मोबाइल से अपनी कई सारी सेल्फीज क्लिक करने लगती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही राजीव भी होश में आ जाता है। जय उससे कहता है, चलो भाई कब तक सोते रहोगे? सर लेकिन वो चुड़ैल। कौन सी चुड़ैल? बहुत ही डरपोक हो यार, मैं भी यही सब देखते हो। चलो अब जल्दी काम हो गया। कुछ ही दिनों में जय की हॉरर मैगजीन छपकर मार्केट में आ जाती है, जिसकी एक कॉपी जय खुद उस किले में छोड़कर जाता है। वो चुड़ैल उस मैगजीन को उठाकर देखती है, उसके फ्रंट कवर पर उसी की फोटो थी। चुड़ैल मुस्कुराती है और हवा के साथ गायब हो जाती है।